अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास स्लाइड नंबर 862, हमारे पास टॉपिक है मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप्स। ओके, वी कैरेक्टराइज व्हेन जी ओवर एन इज अ सिंपल ग्रुप। जी ओवर एन जो है एक सिंपल ग्रुप है, ठीक है। अब हम डेफिनेशन देखते हैं मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप की। अब मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। होता ही एक नॉर्मल सब ग्रुप है एम नॉट इक्वल टू जी, जो जी के इक्वल नहीं होता, मतलब उस सब ग्रुप के इक्वल नहीं होना चाहिए, उसे कोई छोटा होना चाहिए। सच दैट देर इज नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एन ऑफ जी प्रॉपरली कंटेनिंग एम। इसका क्या मतलब है कि कोई भी जो नॉर्मल सब ग्रुप है ना जी एम, अगर एक नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, ठीक है, उसे हम मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप तब कहेंगे अगर जी का कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप जो है वो प्रॉपरली एम को कंटेन ना करता हो, ठीक है। तो फिर हम कहेंगे कि जो एम हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है ये मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है। जब हमारे पास एक थ्योरम मौजूद है कि कोई भी सब ग्रुप जो है ना एम, ठीक है, वो मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप तब होगा अगर इफ एंड ऑल इफ की कंडीशन है, अगर जी ओवर एम अगर सिंपल हो, ठीक है, यानी ये अगर फैक्टर ग्रुप सिंपल होगा तो फिर हम कहेंगे कि ये जो एम है ये हमारे पास मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है, और अगर एम मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है तो जी ओवर एम सिंपल होगा। सिंपल ग्रुप भी हम पढ़ चुके हैं। क्या था सिंपल ग्रुप भला? कोई भी ग्रुप सिंपल तब होता है जब वो नॉन ट्रिवियल हो और उसका कोई भी प्रॉपर नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप ना हो। जब हमने इस थ्योरम को प्रूफ करना है, दो केस हमने प्रूफ करना है, एक डायरेक्ट और एक कन्वर्स उसका प्रूफ करना है। ओके, सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं कि एम एक मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, ठीक है, मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है। फिर हमने एक कैनोनिकल होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर ली है, ठीक है। कैनोनिकल होमोमॉर्फिज्म भी हम पढ़ चुके हैं। वो क्या होती है कि अगर कोई भी हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप हमने एम लिया हुआ, ठीक है, अगर एम नॉर्मल सब ग्रुप है तो जो मैपिंग होगी वो जी से फैक्टर ग्रुप की तरफ होगी, जी ओवर एम की तरफ, ठीक है। ओके, और ये सब्जेक्टिव मैपिंग होगी, यानी ऑन टू होगी। ओके, नाउ वाई इनवर्स ऑफ एनी नॉन ट्रिवियल प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी ओवर एम इज अ प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी प्रॉपरली कंटेनिंग एम। यानी यहाँ हम कंट्राडिक्शन यूज कर रहे हैं। हमने क्या किया कि हमने जी ओवर एम में से एक हमने प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप लिया, ठीक है, और उसकी इनवर्स मैपिंग की, ठीक है। अब देखिए वाई इनवर्स यहाँ पे इनवर्स मैपिंग को शो कर रहा है, ठीक है। इनवर्स मैपिंग हमने की है जी ओवर एम से जी की तरफ ऑफ एनी नॉन ट्रिवियल प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी ओवर एम। जी ओवर एम में से हमने नॉन ट्रिवियल प्रॉपर एक सब ग्रुप लिया है, ठीक है, नॉन ट्रिवियल है वो। और फिर क्या होगा कि इस पे जब हम मैपिंग अप्लाई करेंगे वाई इनवर्स, तो वो किसका नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा? कैपिटल जी का, ठीक है। और इसमें एम जो हो वो होगा वो प्रॉपरली कंटेन करेगा, ऐसे ही होगा ना, ठीक है। लेकिन हमने तो कहा होगा कि एम मैक्सिमल है, मैक्सिमल है तो फिर इसका क्या मतलब है कि ये हो ही नहीं सकता कि कोई भी एक नॉर्मल सब ग्रुप हो और वो कंटेन करे, प्रॉपरली कंटेन करे एम को, ठीक है। जब ये हो ही नहीं सकता तो फिर क्या होगा? जी ओवर एम सिंपल है, यानी उसका कोई भी नॉन ट्रिवियल प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है ही नहीं, ठीक है। और जब नॉन ट्रिवियल प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है तो इसका मतलब है कि जी ओवर एम एक सिंपल ग्रुप है। जब हमने इसका कन्वर्स देखना है कि अगर एन एक नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, ठीक है, प्रॉपरली कंटेनिंग एम, जो एम को प्रॉपरली कंटेन कर रहा है, फिर क्या होगा कि जब हम एन के पे मैपिंग अप्लाई करेंगे वाई ऑफ एन, ये किसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा? जी ऑफ एम का, ठीक है। यही हमने किया था ना लास्ट टाइम जो हमने थ्योरम किया उसमें भी कि वाई ऑफ एन अगर नॉर्मल जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो वो जी प्राइम में जा रहा है, और यहाँ पे जी प्राइम हमारे पास किसके इक्वल है? जी ओवर एम के, ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप इसका हो गया। इफ ऑल्सो एन इज नॉट इक्वल टू जी, अगर ये जी के इक्वल नहीं है तो देन वाई ऑफ एन जो होगा ये भी नॉट इक्वल टू होगा ना जी ओवर एम के, यानी उसकी मैपिंग हो तो फिर डोमेन को डोमेन की इक्वल नहीं होगी। एंड वाई ऑफ एन इज नॉट इक्वल टू कैपिटल एम, यानी इस सब ग्रुप के भी इक्वल नहीं होगा फिर वाई ऑफ एन ये वाले सब ग्रुप के, ठीक है। दस इफ जी ओवर एम इज सिंपल, अगर ये सिंपल है, सो दैट नो सच वाई ऑफ एन कैन एग्जिस्ट, कोई भी ऐसा एलिमेंट हमारे पास मौजूद नहीं होगा वाई ऑफ एन, सो नो सच एन कैन एग्जिस्ट, ना ही हमारे पास एन एक ऐसा एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। एंड एम इज मैक्सिमल, और फिर एम जो होगा वो मैक्सिमल होगा। इस थ्योरम ये कन्वर्स को प्रूफ करने के लिए भी हमने कॉन्ट्राडिक्शन यूज किया, ठीक है। हमने प्रूफ क्या करना था, हमने लिया ये कि जी ओवर एम जो है ये एक सिंपल फैक्टर ग्रुप है ना, फैक्टर ग्रुप है, और हमने ये प्रूफ करना है कि एम जो है ये मैक्सिमल है। अब हमने क्या किया कि हमने जी का एक नॉर्मल सब ग्रुप ले लिया एन, जो कि प्रॉपरली कंटेन कर रहा है एम को, कॉन्ट्राडिक्शन ले ली ना हमने, ठीक है, एम को वो कंटेन कर रहा है। फिर क्या होगा कि जब हम एन की मैपिंग लेंगे तो वो किसका नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा? कोडोमेन का, यानी जी ओवर एम का, ठीक है। ये मैपिंग जी से जी ओवर एम की तरफ हो रही है ना, तो जी ओवर एम का वो नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये देखिए कंटेन कर रहा है ना, नॉर्मल सब ग्रुप है तो कंटेन कर रहा है एम को, तो फिर क्या होगा कि एन इज नॉट इक्वल टू जी, यानी ये जो हमने नॉर्मल सब ग्रुप दिया है ये प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, प्रॉपर नहीं है तो फिर ये जी के भी इक्वल नहीं है, ठीक है, जी के इक्वल नहीं है। और फिर क्या है कि वाई ऑफ एन जब लेंगे हम तो वो भी जी ओवर एम के इक्वल नहीं आएगा, और फिर वाई ऑफ एन जो है वो एम कैपिटल एम के इक्वल भी नहीं आएगा, ठीक है, यानी इस सेट के भी इक्वल नहीं आएगा। अब जब इक्वल ही नहीं आ रहा तो फिर क्या हुआ, हमने तो ये कहा है कि जी ओवर एम सिंपल है,
अब सिंपल है तो उसका कोई भी नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप होना ही नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो आ रहा है एन जो है नॉन ट्रिवियल आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि कॉन्ट्राडिक्शन अकर कर गई है, और सो दैट ऐसा कोई भी एलिमेंट वाई ऑफ एन हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। इसलिए फिर एम जो है ये मैक्सिमल है। अगर वाई ऑफ एन नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो एन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसमें एम कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि एम मैक्सिमल है, यानी कोई भी ऐसा हमारे पास प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है, नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है जिसमें एम जो है वो प्रॉपरली कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि एम हमारे पास एक मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है द सेंटर सब ग्रुप। जब सेंटर सब ग्रुप की हम डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन क्या है, द सेंटर ऑफ जी जी, ठीक है, इज डिफाइंड बाय, भी किस तरह का होगा, जी जी एक ऐसा सेट होगा जिसमें जी जो है ये बिलोंग करे कैपिटल जी से, ठीक है, कैपिटल जी से बिलोंग करे। किस तरह के एलिमेंट आएंगे कि जी जी इक्वल टू जी जी, ठीक है, यानी कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करेगा हर एलिमेंट के लिए, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, यानी हमने वो वाला एलिमेंट लेना है जो कि कम्यूटेटिव लॉ जी के तमाम एलिमेंट्स के लिए होल्ड करेगा। यहाँ पे हमारे पास एक एक्सरसाइज मौजूद है, क्या है कि शो दैट जी ऑफ जी यानी सेंटर ऑफ सब ग्रुप जो है इज अ नॉर्मल, ये एक नॉर्मल सब ग्रुप है और एक अबेलियन सब ग्रुप है जी का, ठीक है, यानी सेंटर सब ग्रुप एक नॉर्मल और एक अबेलियन सब ग्रुप है जी का, नॉर्मल भी है और अबेलियन भी है। जब हमने इसका सोल्यूशन देखना है, अब हमारे पास है कि कैपिटल जी से बिलोंग कर रहा है जी और जेड हमने स्मॉल जी ले लिया है जी जी का एलिमेंट है, ठीक है। अब जी जी में कौन से एलिमेंट्स है, वो तमाम एलिमेंट्स है जो कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करते हैं, ठीक है, विद जी, जी के एलिमेंट्स के साथ, ओके वी हैव। फिर क्या हो गया कि अगर हम एक एलिमेंट ले लें जी 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 इनवर्स, ठीक है, ये एलिमेंट ले लिया, अब जी जी ये जी का एलिमेंट, जी है ना हमारे पास, जी किसका एलिमेंट है, जी जी का, जिसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है, तो जी जी इक्वल टू जी जी हो जाएगा, कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई किया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, जी और जी इनवर्स मिलकर आइडेंटिटी हो गए, तो जी ई किसके इक्वल आ गया, जी के। वही सी अभी देखिए, हमने ये कंडीशन ली थी और किसके इक्वल आ गया है, जी के, इसका मतलब है कि ये नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो गई है। वी सी एट वंस दैट जी जी इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गई है, तो ये नॉर्मल प्रूफ हो गया है, ओके। इट इम्प्लाइज दैट जी जी इक्वल टू जी जी फॉर जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी एंड जी बिलोंग्स टू जी जी, ठीक है। अब नॉर्मल सब ग्रुप है तो नॉर्मल सब ग्रुप की हम दूसरी कंडीशन भी तो यूज कर सकते हैं ना, कि लेफ्ट और राइट को सेट इक्वल हो, तो जी जी इक्वल टू जी जी आ गया, और जी जो है बिलोंग कर रहा है कैपिटल जी से और जी जो है बिलोंग कर रहा है जी जी से, यानी हमारे पास ये एक सेंटर सब ग्रुप है। इफ जी इज अबेलियन, अगर हमारे पास जी जो है वो भी अबेलियन हो जाए, जी जी तो अबेलियन है ही, लेकिन अगर जो जी हम ले रहे हैं वो भी अबेलियन हो जाएगा, तो फिर क्या होगा कि जी 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 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों इक्वल हो गए हैं तो फिर हमारे पास सेंटर जो है, सेंटर ऑफ जो सब ग्रुप हम सेंटर ले रहे हैं, वो किसी फायदे में नहीं आएगा, नॉट यूजफुल हो जाएगा, क्योंकि वो जी के ही इक्वल हो गया है। जब हम सेंट्रल ग्रुप की एक एग्जांपल देखेंगे, जी यहाँ पे हमने S3 लिया है ग्रुप, ठीक है, ग्रुप में परम्यूटेशन का ग्रुप है, ठीक है, उसमें हमने आइडेंटिटी परम्यूटेशन ले लिया। अब आइडेंटिटी परम्यूटेशन को मैं किसी भी नंबर के चाहे राइट साइड पे अप्लाई करूँ या लेफ्ट साइड पे अप्लाई करूँ, तो हमारे पास जो है आंसर सेम आएगा वो नंबर एज इट इज, क्योंकि आइडेंटिटी परम्यूटेशन है रो नॉट, ठीक है। रो नॉट किस तरह से होता है, 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 3 का इमेज 1, ठीक है, ये 1 2 3 हमारे पास साइकिल होता है, ओके। अब ये जो है रो नॉट, इसका लेफ्ट और राइट जो है वो हमारे पास इक्वल आ रहा है, यानी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है ना, मैं किसी भी एलिमेंट के साथ अप्लाई कर लूँ, ठीक है, परम्यूटेशन कोई भी मैं ले लूँ S3 में से, मेरे पास जो है वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा विद रो नॉट, क्योंकि ये आइडेंटिटी परम्यूटेशन है, ओके। अब ये तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है, यानी रो नॉट बिलोंग कर गया है सेंटर ऑफ सब ग्रुप से, ठीक है, सेंटर ग्रुप से क्यों बिलोंग किया, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ हर एलिमेंट के साथ ये होल्ड कर रहा है। अब हमने ये देखना है कि आइडेंटिटी परम्यूटेशन के अलावा कोई परम्यूटेशन है जो कि जी जी से बिलोंग करे, यानी सेंटर सब ग्रुप से बिलोंग करे। ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया कि रो नॉट ही ली, ठीक है, रो नॉट हमारे पास कौन सी परम्यूटेशन है, 1 2 3 एक साइकिल है, ठीक है, परम्यूटेशन में हम ये देख चुके और आपको अच्छे से भाग गए होंगे, ओके। अब हमने एक दूसरी परम्यूटेशन ली है 1 3 2 वाली, ठीक है, ये साइकिल से हमने लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई किया और राइट साइड पे भी किया, तो हमारे पास जो है वो सेम आएगा, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा क्योंकि हमने आइडेंटिटी परम्यूटेशन ली है। लेकिन उसके बाद हम क्या ले रहे हैं, 2 3 ले रहे हैं, इनका हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे ना, जब तो मेरे पास हमारे पास आएगा 1 2, और इस तरह से जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, मतलब जगह चेंज कर देंगे, कम्यूटेटिवली अप्लाई करेंगे, तो मेरे पास 1 3 ये साइकिल आएगा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये वाली जो परम्यूटेशन है ये कम्यूटेटिवली होल्ड नहीं कर रही। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, 1 3 2 है और 1 3 है, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो हमारे पास 1 2 आएगा, और फिर जब हम जगह चेंज करेंगे तो फिर हमारे पास 2 3 आ रहा है, यानी ये भी नहीं हमारे पास बिलोंग कर रहा है जी जी में,
फिर उसके बाद 1 3 और 1 2 साइकिल हमने लिया तो हमारे पास 1 2 3 आ रहा है, फिर 1 2 और 1 3 करेंगे हमारे पास 1 3 2 आ रहा है। ठीक है, ये साइकिल्स लिए गए परम्यूटेशंस के। ठीक है, ये आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा, इन साइकिल्स के पहले परम्यूटेशंस में कन्वर्ट कीजिएगा और फिर परम्यूटेशंस का प्रोडक्ट फाइंड कीजिएगा लेफ्ट और राइट दोनों। ठीक है, तो फिर आप लोगों को ये वाले आंसर्स मिल जाएंगे। परम्यूटेशंस बहुत जगह पे यूज हो रही है, तो आप लोग इसे अच्छे से जो है लेक्चर्स इसके लें और अच्छे से समझे। मिड टर्म सिलेबस में आई थिंक लेक्चर नंबर 33 और 34 में से वहां से हमारे पास परम्यूटेशन स्टार्ट हो रही है। ओके, तो ये हमारे पास ये बिलोंग इक्वल नहीं आ रहे, कम्यूटेटिव ला होल्ड नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि जी एस थ्री, जी है ना, यहाँ पे जी हमारे पास एस थ्री है, तो जी एस थ्री में सिर्फ हमारे पास रो नोट यानी आइडेंटिटी परम्यूटेशन आ रही है, और सिर्फ आइडेंटिटी आ रही है तो इसका मतलब ये सिर्फ ट्रीवियल है। सो द सेंटर ऑफ एस थ्री इज ट्रीवियल। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे हमने किया ना आइडेंटिटी 1 2 3 है, तो ये भी आइडेंटिटी 1 2 3 यानी इसका भी सेम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 को राइट साइड पर रखा गया। ठीक है, मतलब हमने राइट मल्टीप्लीकेशन करनी है, राइट मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो इक्वल आएगा, और अगर लेफ्ट करेंगे हमारे पास ये देखिए चेंज आ रहा है। ठीक है जी, आज हमने किया है स्लाइड नंबर 874 तक, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।